करीब 8:30 बजे महेंद्रगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बच्चों से भरी एक बस पलट गई। अब इसी मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल दीप्ति राव की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नशे में धुत जो बस ड्राइवर था, उसे खेड़ी गांव के ग्रामीणों ने रोका था और ड्राइवर के नशे में होने की सूचना जो है ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को दी थी। प्रिंसिपल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आज ड्राइवर को भेज दिया जाए और कल से ड्राइवर को हम हटा देंगे, तो प्रिंसिपल पर उचित कदम ना उठाने को लेकर कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है प्रिंसिपल को। आपको बता दें कि सहलंग गांव का रहने वाला है आरोपी बस ड्राइवर और उस वक्त वो नशे में धुत था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई। तो अब प्रिंसिपल दीप्ति पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में धुत ड्राइवर की जानकारी जो थी वो उन्हें मिल गई थी हादसे से पहले ही। अगर यहाँ पर सही कदम उठा दिया होता प्रिंसिपल दीप्ति राव ने, तो शायद ये बड़े हादसे को रोका जा सकता था, इन 6 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एक सही कदम ना उठाए जाने पर ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 मासूम जो है अब उनकी मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति राव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। यही इस पूरे स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल बसों की फिटनेस जो है वो चेक कराने के ऑर्डर दिए हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने इसके आदेश दे दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी एक सर्कुलर जारी करना होगा फिटनेस चेक करने के लिए। ये सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्थानीय डीटीओ को भी स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन लिया है परिवहन मंत्री असीम गोयल ने, जहां स्थानीय डीटीओ को स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है, उसके बाद परिवहन मंत्री का ये बड़ा फैसला। तो महेंद्रगढ़ के कनीना में आज एक दुखदायी घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल DTO को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे MVA स्तर के एक अधिकारी हैं, उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाए गए कि कागज़ पूरे नहीं थे, तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी 3rd महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चलान कर रखा था और इन्हीं सब कागज़ों के पूरे ना होने की वजह से। लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की, हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फ़िटनेस की जांच कराएं, और सभी जो हमारे DTOs हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे DOs को, और स्कूलों की सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो। इस बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस दुर्घटना में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिजनों को ये क्रूर आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। तो ये ट्वीट किया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जहां उन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की और दुख जताया पूरे हादसे को लेकर। इसी को लेकर PM मोदी ने भी हादसे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो हादसा हुआ वो अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खो दिया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा है।
तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति का इस पर ट्वीट आया, जहां पर सभी ने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो परिजनों के प्रति व्यक्त की है और साथ साथ ये आश्वासन भी दिया कि पीड़ितों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हर संभव जो है वो सहायता कर रही है राज्य सरकार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी महेंद्रगढ़ बस स्कूल हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट है, जहां उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं जो है वो परिवार के साथ है और स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को जो भी सहायता है वो पहुंचाई जा रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने स्वस्थ होने की भी बच्चों की कामना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुई बस दुर्घटना में मासूमों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही सभी घायलों के जल्द ठीक होने की आशा भी करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी महेंद्रगढ़ कनीना हादसे पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सीएम ने कहा कि महेंद्रगढ़ कनीना में ये जो हादसा हुआ इससे मैं बेहद आहत हूं। मेरी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हादसे की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कनीना स्कूल बस हादसे की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर लिखा कि दुर्घटनाग्रस्त होने की बात से मैं काफी आहत हूं। साथ ही साथ कहा कि मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवाड़ी अस्पताल पहुंची। क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको सुनाते हैं। जी लापरवाही तो सबसे बड़ी है कि आज गर्ल्स स्टेट हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5:30 निकलती हैं
तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास, तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी, 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअल्टी भी हो गई है। संचालकों से डरने की क्या बात है, शिक्षा तो जो शिक्षालय है विद्यालय है, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, रास्ता दे, जो हमारे विद्यालय हैं हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार मर्यादा कानून नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट ऑरेंज लाइट ग्रीन लाइट हम बच्चे को सेकंड क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। हाँ तो सारे स्कूल खुले, आप यहाँ से अश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था, इनको नोटिस शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है, और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये FIR उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। वहीं न्यूज 18 पर भी उन्होंने खास बातचीत की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि चालक नशे में था इसीलिए ये हादसा हुआ है और स्कूल को अब इस पूरे मामले में शो कॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ सीमा त्रिखा ने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कानूनी एक्टिविटी है इनकी। दूसरा, जानकारी के मुताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराब पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई जिसमें 7 या 8 बच्चों की कैजुअल्टी हुई है। इस हॉस्पिटल में 12 बच्चे एडमिट हैं जिसमें 4 बच्चे ICU में और 2-1 बच्चे थोड़ा अभी हालात के मुताबिक थोड़ा सीरियस है पर जान को खतरा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोट ज़्यादा आई है तो उसका सर्जरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में, तो ये यहाँ के हालात हैं। किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं? जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल जो संचालक है आज स्कूल की क्योंकि छुट्टी थी उसके बावजूद स्कूल खोला था, तो क्या उनकी मान्यता रद्द की जाएगी या उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा? कॉज नोटिस दे दिया गया और बिल्कुल कार्रवाई होगी यही। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे हैं रेवाड़ी के अस्पताल में और इसके बाद वो शायद घटनास्थल पर भी पहुंचेंगी, क्या आप घटनास्थल भी जाने वाले हैं? मैं जाऊंगी अभी जहां बच्चों का पोस्टमार्टम होना है अभी जाऊंगी जहां वहां पर। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो अब यहाँ से सीधे जो घटनास्थल है वहाँ पर भी जाएंगे और जहाँ पर बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है वहाँ पर भी जाएंगे और परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि जो स्कूल संचालक है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ और 6 छात्रों की मौत हो गई। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, रेवाड़ी। तो शिक्षा मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पुरोहित भी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायल छात्रों का हालचाल जाना, साथ ही साथ चिकित्सकों को उचित इलाज की भी आदेश जो है उन्होंने दिए हैं। वाली घटना है और दिल दहलाने वाली घटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मंत्री का हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं, 5 ICU में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ
और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जल्दी से ठीक हों। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर सीएम साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे